नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सुहाग रात पर घूंघट उठाते ही खुल गई दुल्हन की पोल, घबराकर 7 दिनों तक नहीं सोया दूल्हा। शादियों के सीजन में दूल्हा दुल्हन के बीच कई सारे कहानी किस्से सुनने को मिलते हैं। कई बार ऐसी घटना सामने आती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के अलकसर से सामने आया है। सुहाग रात पर दुल्हन की चीखें निकल गई। दरअसल यहाँ रहने वाला एक युवक शादी के लिए हरियाणा की एक युवती से शादी तय किया था। शादी के बाद दूल्हा सुहागरात की तैयारी कर रहा था, जिसे के बाद दूल्हा कमरे में गया। जब दुल्हन से बात करने की कोशिश किया तो साफ मना कर दिया। युवक ने बताया कि शादी के बाद पत्नी ने बीमारी का बहाना बनाती थी और युवक दुल्हन काफ़ी दिन तक बेवकूफ़ बनता रहा। फिर एक बार मामला गंभीरता से जानकारी ली। बाद में मामला सामने आया तो युवती नई किन्नर थी, जिसके बाद युवक के होश उड़ गए। जिसके बाद युवक ने 5 लोगों को खिलाफ कोर्ट में आदेश के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मामला सामने हुआ। फिर जांच शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर हुई जान पहचान और प्यार के बाद लक्ष्य के युवक ने हरियाणा की कथित युवती से लक्सर में लव मैरिज कर लिया था। महीनों बाद पता चला कि पत्नी किन्नर है। तलाक मांगने पर किन्नर के 5 लाख रुपये मांगे। लक्सर कोतवाली की रायसी चौकी के गांव निवासी युवक का सोशल मीडिया पर अकाउंट भी है। करीब साल भर पहले एक युवती के फोटो और नाम से बने अकाउंट से उसके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसे ओके करने के बाद युवती और युवक बीच में अपने बातचीत शुरू कर दी। समय के साथ दोनों ही प्यार हो गया। इसके बाद युवती का प्रस्ताव रखा, कहा कि उसके माता पिता शादी करने को तैयार हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आ जाइए।